स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मोले। दोस्तों आज हम बात करने वाले आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच खेले गए अंतिम T20 मैच के बारे में, जो मैच की श्रृंखला का डिसाइड करता है कि कौन सी टीम जीते हार रही है श्रृंखला। मैच का पूरा एनालिसिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करूँगा। सबसे पहले आप लोग छोटा सा काम करना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो के चलते दिखा देंगे। दोस्तों जिस तरीके से दोनों पिछले चार मैचेस दो दो की बराबरी पर शुरुआती दो मैच आयरलैंड ने जीते, उसके बाद कमबैक किया अफगानिस्तान ने, दो मैच जीते जिसमें राशिद की परफॉर्मेंस, फहीद मलिक और नबी मुल्क की परफॉर्मेंस, बल्लेबाजी में गुरबाज का भी चल रहा, जादरान और नजीबुल्ला दोनों ही बल्लेबाजों का कुल मिलाकर अफगानिस्तान टीम जिस तरीके से पहले दो मैचेस में प्रदर्शन था उसका गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिहाज से लास्ट के तीसरे और चौथे मैच में उनका प्रदर्शन थोड़ा सुधरा गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से, दोनों ही क्षेत्रों में अफगानिस्तान की टीम ने काफी अच्छा किया। लेकिन अंतिम T20 मैच जो डिसाइडर था कहीं ना कहीं मौसम की भेंट चढ़ गया। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये मौसम की मार ना पड़ी होगी तो ये जो मैच है तो पहले हाफ में तो 15 ओवर का, सेकंड हाफ में 60 ओवर का मैच हुआ जिसमें कि सब कुछ डकवर्थ लुईस ने तय किया। और आज तक मुझे समझ में नहीं आता कि डकवर्थ लुईस है क्या, किस तरीके से इसकी गणना की जाती है, किस तरीके से इसमें ओवर कम किए जाते हैं, रन कम किए जाते हैं। डकवर्थ लुईस में हमेशा 90% चांसेस उस टीम के जीतने के होते हैं जिसको बाद में टारगेट दिया जाता है। कुछ इसी तरीके का हिसाब किताब इस मैच में भी रहा। अब आयरलैंड ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, उससे पहले भी मौसम थोड़ा सा ओवर क्लाउडी था और काश था। आयरलैंड में बनस्पत आयरलैंड और इंग्लैंड ये दोनों नज़दीकी कंट्रीज है, वहाँ का मौसम भी कुछ इसी तरीके का रहता है कि खुशनुमा सा मौसम हमेशा बादलों से घिरा हुआ, बॉलरों को मदद होगा। इसका फायदा आयरलैंड में उठाया, शुरुआती दो विकेट हजीतुल्ला जजाई और गुरबाज की विकेट जल्दी निकाल दी और मार कर आया, जो काफ़ी समय से मैं कह सकता हूँ कि गेंदबाजी में उनका हाथ थोड़ा तंग नजर आ रहा था, बक्कर के मैच में प्रदर्शन ला गया और शुरुआती दो विकेट उन्होंने निकाली। और दोनों ही जो विस्फोटक बल्लेबाज हैं अफगानिस्तान के लिए, दोनों बल्लेबाज ऐसे जो अपनी बल्लेबाजी जो शुरुआती 8 से 10 ओवर में जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं सामने वाली टीम को बिल्कुल पस्त कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हिटर। और जहाँ जजाई एक बहुत ज़्यादा हार्ड हिटर, हर गेंद को आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, वहाँ आपका गुरबाज एक क्लासिकल बल्लेबाज है लेकिन हिटिंग इनकी बहुत हार्ड है। लेकिन इस मैच में अडायर ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, इसके बाद इब्राहिम चंद्रान 8 रन और उसके बाद उस्मान गनी, शुरुआती दो मैच में देखा था उस्मान गनी एज ओपनर खेल रहे थे, जजाई के आने के बाद उस्मान गनी का नीचे की तरफ डिमोशन कर दिया गया। मैं ये कह सकता हूँ कि ओपन स्लॉट से लेकर नंबर 4 में बल्लेबाजी करने के लिए भी मतलब इस मैच में जो कंडीशन मिली उन्हें और जिस तरीके की बल्लेबाजी करते थोड़ा सा उस्मान गनी की तरह की बल्लेबाजी की, उन्हें थोड़ा समय चाहिए और एक बिल्डअप पार्टनरशिप टाइप के वो बल्लेबाज है। और कहीं पार्टनरशिप को बिल्डअप करनी है, कहीं सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो वहाँ उस्मान गनी आई थिंक ज़्यादा सूटेबल है। स्थिति अगर आपके यहाँ से निकल चुकी है और वहाँ जहाँ ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश कर सके और विकटों को भी गिरने को कम कर सके और रन में भी थोड़ी सी गति को थोड़ा सा बढ़ा सके तो वहाँ उस्मान गनी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। आई थिंक अफगानिस्तान टीम के पास एक ऐसा बल्लेबाज दिख रहा है आज के समय में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और ये कह सकते हैं कि समय की स्थिति को नाप तोल के खेल सकता है, बहुत हद तक क्लासिकल और स्टाइलिश बल्लेबाज है। लेकिन मोहम्मद नबी का सूखापन अभी तक चल रहा है, इस मैच में भी 0 रहा। और उसके बाद नजीबुल्ला जारदान 10 रन, इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, करने को था भी नहीं कि मौसम तो मिला, फिर 15 ओवर में ही 95 रन पे बारिश ने खलल डाली और 15 ओवर 95 रन अफगानिस्तान का स्कोर बोर्ड पर रन थे और वहाँ मैच रुक गया। उस समय उस्मान गनी अली बल्लेबाजी कर रहे थे, अली मुल्ला भी 15 रुपये के साथ खेल रहे थे। लास्ट के 5 ओवर तकरीबन मेरे ख्याल से 30-40 रन इजिली बना सकती थी अफगानिस्तान और एक 30-40 रन का जो टारगेट दे सकती थी और वहाँ फिर मैच और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के कारबात थे। लेकिन मौसम का मिजाज और जिस तरीके से आयरलैंड के गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी उसमें एक चीज़ तो साफ नज़र आया
ये जो गेंदबाज है जिस तरीके से स्पेशली मार पड़ा लिटिल को दो विकेट मिले, गेंदबाजी में बात करते हैं लिटिल को दो विकेट मिले, मार पड़ा है तो तीन विकेट मिले, तो पाँच विकेट पाँच, लेकिन जिस तरीके से ओवर उनके बॉलरों द्वारा किया गया, मैकगर्दी ने तीन ओवर में 14 रन दिए, और देखिए स्टार्ट मैकगर्दी ने किया था आयरलैंड की तरफ से, पहले T20 मैच में तीन विकेट निकाले थे और वहाँ से आयरलैंड की गेंदबाजी ने पिकअप पकड़ा, और उसके बाद हर एक मैच में कोई ना कोई गेंदबाज ऐसा निकला जिसने अपने परफॉर्मेंस से सामने वाली टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, और कंपेयर चार ओवर में किसान कंपेयर का हमेशा मेरे ख्याल से आयरलैंड टीम में अनदेखी हो रही है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ किसी तीन मैचों के बाद एक मैच में पूरे चार ओवर का कोटा, उसके बाद से फिर एक ओवर दो ओवर, तो एक अच्छे खिलाड़ी का ना भविष्य खराब किया जा रहा है। इसके ऊपर किसी दिन वीडियो फुटसोर से बनाकर चर्चा करेंगे कोचेज कैंपर की एबिलिटी और उनका किस तरीके से एक करियर आयरलैंड टीम के अंदर चल सकता है उसके बारे में करेंगे आने वाले समय में। गैलिस मैच में कुछ खास नहीं कर पाया, दो ओवर में 10 रन समय भी नहीं था क्योंकि अभी 5 ओवर बच रहे थे, उसमें टहलने का दो ओवर जरूर मिलते, और लेकिन दो ओवर में 10 रन सिमी सिंह एक ओवर 20 रन, और ये एक बड़ा ओवर था जब अफगानिस्तान टीम ने इसको कुछ खास एक तवज्जो दी थी सिमी। बात जब चीजिंग की बात है कि डबल टू से उनको सिर्फ टारगेट मिल गया 56 रन का, और उसके बाद से पोस्ट टर्निंग और बार्ड्रेन दोनों ने ही शुरुआत की, 56 रन बड़ा स्कोर नहीं था, और जिस हिसाब से ओवर का भी कंडीशन देखी जाए वो भी कुछ खास नहीं थे, तो स्टर्लिंग ने 16 रन 10 गेंदों में, और उसके बाद से बार्ड्रेन ने 9 गेंदों में 9 रन, लेकिन मुजीबुर रहमान दोनों ही विकेट निकालने में, लेकिन एक कहावत है बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, ठीक उसी तरीके से मैं कहूँगा मुजीबुर रहमान का फॉर्म लौटते लौटते बहुत देर हो चुकी थी, अफगानिस्तान ने श्रृंखला गंवा चुकी है, और एक जो गेंदबाजी के लिहाज से कहेंगे कि अफगानिस्तान टीम कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मंच में अपना स्थान रखती थी, गेंदबाजी मुजीबुर रहमान राशिद खान आप नवीन उल हक आपका फरीद मलिक हो गया मोहम्मद नबी हो गए थे, इस तरीके के जो गेंदबाज थे जो कहीं ना कहीं जिनके बलबूते अफगानिस्तान टीम किसी भी टीम से लोअर लेवल में पीछे नहीं हटती थी, कहीं ना कहीं गेंदबाजी इस समय अफगानिस्तान की खराब हो गई, स्थिति कुछ इतनी अच्छी नहीं रही है बल्लेबाजी में, क्योंकि अफगानिस्तान आयरलैंड को ज़्यादा कुछ मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रेकर ने 14 रन बनाया, ट्रेकर ने 9 रन नॉट आउट और डॉकर ने 7 रन, और ओवरऑल प्रदर्शन देखा जाए तो कुछ खास नहीं, नवीन हक एक ओवर में 7 रन, फरीद मलिक एक ओवर 4 गेंद 14 रन, मुजीबुर रहमान को 2 विकेट और 1 विकेट राशिद खान को मिले, टारगेट की वजह से स्कोर कुछ खास ना होने की वजह से आयरलैंड टीम ने श्रृंखला 3-2 से जीत ली, लेकिन इसमें खास बात ये कहूँगा कि चिंतन करने की जरूरत है अफगानिस्तान टीम को, क्योंकि अफगानिस्तान टीम का जो एक स्वभाव रहा है, जो इनकी खेलने की क्षमता है जिसके बारे में इनकी बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक अभी तक जो ये देखा गया इजीली हार ना मानने वाली टीम है, फाइट बैक करती है लड़ती है, जब तक कि हार जीत तक अलग पहलू है लेकिन आप कोशिश करते हो लड़ते हो वो दिखना चाहिए, और इस श्रृंखला में आयरलैंड कहीं भी कोशिश करते हुए नजर नहीं आई कि वो कोशिश कर रही हो कि हाँ मैं इस श्रृंखला और आयरलैंड पहला मैच हारने के बाद भी उसको वो मतलब अपनी तरफ से वो पूरी जोर कोशिश में और मेहनत में नजर नहीं आए, और ये अफगानिस्तान के लिए चिंताजनक है क्योंकि इस तरीके का प्रदर्शन मैंने अब से पहले आयरलैंड से नहीं देखा था, अफगानिस्तान की टीम से नहीं देखा था, तो अफगानिस्तान टीम में जितने भी कंट्रीज के साथ खेले हैं चाहे इंडिया चाहे पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश एक मजबूती से अपना पक्ष रखा है, और वो वही चीज अफगानिस्तान को अलग करती है, वही चीज़ अफगानिस्तान को अलग करती है, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को एक अलग स्थान दिलाती है, लेकिन इस श्रृंखला में अफगानिस्तान टीम थोड़ा सा अंडरडॉग की तरह खेली है, अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रख पाई, बल्लेबाजी ने बहुत हद तक निराश किया स्पेशली ओपनिंग जोड़ी से लेकर गेंदबाजी बहुत ज़्यादा, रशीद खान का श्रृंखला में ना चल पाना एक मेन वजह रहा अफगानिस्तान का श्रृंखला हारने के पीछे। बहरहाल मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आपको कैसा लगा जो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करने लिए कमेंट सेक्शन अगर सोशल नेटवर्क साइट पर भी जा सकते हैं, इसके लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखा देंगे, खुश रहिए सुरक्षित रहिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।